ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की स्क्वाड का हुआ ऐलान। हार्दिक पांड्या करेंगे वनडे फॉर्मेट में भी भारतीय टीम की कप्तानी, तो वहीं पर रविंद्र जडेजा भी वनडे टीम में करेंगे वापसी। तो इसके अलावा जसप्रीत बुमराह होंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज खेली जानी है। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार यहां पर भारतीय टीम की कप्तानी हार्दिक पांड्या के हाथों में क्यों सौंपी गई है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से खिलाड़ी टीम इंडिया की स्क्वाड में शामिल हुए हैं, इसके बारे में तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो का आखिर तक। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। अगर आप भी चाहते हैं कि यहाँ पर आपकी फेवरेट टीम इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करे तो दोस्तों, रोहित शर्मा पारिवारिक कारणों की वजह से पहला वनडे मुकाबला नहीं खेल पाएंगे, जिसकी वजह से टीम इंडिया की कप्तानी हार्दिक पांड्या के हाथों में सौंपी जाएगी। और रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टेस्ट टीम में भी किसी भी प्लेयर को उप कप्तान नहीं रखा गया है। शुरुआती 2 टेस्ट मुकाबलों में KL राहुल के नाम के आगे उप कप्तान लिखा था। ऐसे में KL राहुल ही टीम के उप कप्तान है या फिर नहीं, इस पर संदेह है। राहुल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोनों टेस्ट में मौका दिया गया था, तो वहीं पर 20/17/1 रन के स्कोर ही ये बना सके थे। अगले टेस्ट मुकाबले में इनसे उप कप्तानी छीन ली गई है। तो वहीं पर इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर वनडे सीरीज के बारे में, तो हार्दिक पांड्या को T20 कप्तानी का ही अनुभव है, तो ऐसे में यहाँ पर वनडे सीरीज की कप्तानी में इनको थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद टीम इंडिया को कंगारू के खिलाफ 3 वनडे खेलने हैं। सीरीज के पहले मैच में हार्दिक पांड्या टीम की कप्तानी करेंगे, तो वहीं पर रोहित शर्मा फिलहाल पहला मैच नहीं खेलेंगे। हार्दिक ने अब तक वनडे में टीम की कप्तानी नहीं की है, उन्होंने अब तक T20 में ही टीम इंडिया की कमान संभाली है। पहली कप्तानी में 11 में से 8 मैच उन्होंने टीम को जीत दिलाई है, तो 2 में इनको हार का सामना करना पड़ा था, यानी कि 2 मुकाबले यहाँ पर, 1 मुकाबला यहाँ पर टाई भी रहा था। उनादकट को भी वनडे में मौका मिलेगा। पहली कप्तानी में सौराष्ट्र को घरेलू क्रिकेट में वजह 1000 ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी जिताने वाले जयदेव उनादकट को 10 साल बाद वनडे में शामिल किया गया है। उन्होंने पिछले साल बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू के 12 साल बाद टेस्ट टीम में जगह मिली थी। उन्होंने 1 टेस्ट खेला भी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी टेस्ट टीम में जगह बनाई है। 2013 में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे डेब्यू के बाद उन्होंने भारत के लिए 7 मैच खेले, लेकिन 2013 के बाद उन्हें भी मौका नहीं मिला। तो वहीं पर जडेजा की वापसी होगी, तो बुमराह यहाँ पर इस सीरीज से बाहर होंगे। घुटनों के इंजरी के बाद टेस्ट टीम में शानदार वापसी करने वाले ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की वनडे टीम में भी वापसी हुई है। तो वहीं पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वनडे टीम से बाहर किया गया है, वह भी इंजरी के चलते पिछले 5 महीनों से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सके। भारतीय टीम की स्क्वाड की हम बात करें तो टीम इंडिया की स्क्वाड में कई दमदार खिलाड़ियों को मौका मिला है, जहां पर टीम के कप्तान रोहित शर्मा है, तो वहीं पर उप कप्तान के रूप में हार्दिक पांड्या को चुना गया है। तो वहीं पर विकेट कीपर बल्लेबाज की बात करें तो यहाँ पर विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर ईशान किशन मौजूद है। तो वहीं पर इनके अलावा KL राहुल, विराट कोहली, सरेश अय्यर, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, सुमन गिल, सूर्य कुमार यादव, जयदेव उनादकट, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, उमरान मलिक और शार्दुल ठाकुर को टीम में शामिल किया गया है। यानी कि यहाँ पर पहले वनडे के लिए टीम की कप्तानी हार्दिक पांड्या करने वाले हैं। रोहित शर्मा इस सीरीज से पहले मुकाबले में बाहर रहेंगे, इसके बाद 2 मुकाबलों में रोहित शर्मा वापस टीम की कप्तानी को संभालते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको कि हार्दिक पांड्या क्या वनडे सीरीज में कमाल का परफॉर्मेंस कर पाएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।